स्टूडेंट होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी प्रॉपर एंड कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज आपका इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिसकी वीडियो आपके पास आएगी, वो है आपका चैप्टर 10 मेन मार्केट फॉर्म। हमने ये चैप्टर थोड़ा सा क्लास में डिस्कस भी कर लिया था, लेकिन अगेन कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे तो उनको समझ में नहीं आया होगा, या क्लास में नहीं थे तो उनको ये चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर 10 मेन मार्केट फॉर्म। यहाँ पर हमें किसके बारे में पढ़ना है, मार्केट के बारे में पढ़ना है। और मार्केट हम सभी जानते हैं बाजार, यानी कि हमारी जो मार्केट का एरिया है या मीनिंग ऑफ मार्केट क्या है, वो सब चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे, वो टॉपिक आपके इसमें कराए जाएंगे, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड ही वीडियो आपके पास आएगी, जितने टॉपिक आपके सिलेबस में होंगे वही सब हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट रेफर टू द होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर ऑफ ए कॉमोडिटी आर इन अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ऑफ इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कॉमोडिटी। भाई हम कोई भी प्रोडक्ट को अगर लेने जाते हैं, सिंपल सी बात है, हम मार्केट में लेने जाते हैं, है ना। कॉमोडिटी का मतलब वस्तु, किसी भी वस्तु को हम कहाँ पर लेने जाते हैं, मार्केट में लेने जाते हैं। तो मार्केट क्या रेफर करती है कि वेयर बायर एंड सेलर ऑफ ए कॉमोडिटी, एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है ना, तो हम उनसे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, इफेक्ट परचेज एंड सेल। तो मार्केट रेफर करती है हमारे होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर ऑफ ए कॉमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कॉमोडिटी। तो मार्केट में हमारा क्या होता है, बायर एंड सेलर के बीच में एक कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पर हम किसी वस्तु को, किसी कॉमोडिटी को परचेज एंड सेल करते हैं, ठीक है। सबको पता है मार्केट में जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कॉमोडिटी को हम परचेज एंड सेल करने ही जाते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मार्केट एंड कैन बी समराइज्ड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ एसेंशियल्स कॉन्टिन्यूएंट बताए गए हैं जो मार्केट को समराइज्ड करते हैं। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट में आता है हमारा एरिया। भाई मार्केट का हर एक एरिया होता है ना, कि इस एरिया की ये मार्केट है, इस एरिया की ये वाली मार्केट है। सेकंड आता है बायर एंड सेलर, बिना, विदाउट बायर एंड सेलर के हमारी मार्केट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो एक बायर एंड सेलर वहाँ पर ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है कॉमोडिटी, भाई कॉमोडिटी होगी तभी तो बायर एंड सेलर भी होंगे ना, किसी वस्तु को तो खरीदना होगा। नेक्स्ट आता है कंपटीशन, जब एक ही मार्केट में एक ही कॉमोडिटी के बायर होंगे और एक ही कॉमोडिटी को सेल करने वाले होंगे, तो वहाँ पर कंपटीशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ एसेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं, या हम कुछ जो हमें मार्केट को समराइज्ड करना होता है, कि हमें वो 4 पॉइंट में समराइज किया है हमने, एरिया, बायर एंड सेलर, कॉमोडिटी एंड कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासिफाई मार्केट स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पर जो क्लासिफाई करना है, वो हमें करना है मार्केट का स्ट्रक्चर, कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। भाई जो मार्केट को रेफर करती है, वो नंबर ऑफ मार्केट को जो रेफर करती है, वो नंबर और टाइप्स ऑफ फर्म ऑपरेट करती है, किसके बेसिस पर, इंडस्ट्री के बेसिस पर। इकोनॉमिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट वे टू क्लासिफाई, इकोनॉमिस्ट जो है, अर्थशास्त्री जो होते हैं, इन्होंने डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया है द मार्केट इन ऑर्डर टू स्टडी। इन्होंने मार्केट को बताया कि हमारी जो मार्केट होती है, वो स्टडी द नेचर ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि उसका नेचर जो होता है वो अलग अलग काइंड्स में होता है, अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करता है, और सबकी ईच ऑफ देम अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो रेफर करता है, वो नंबर एंड टाइप के बेसिस पर करता है। इंडस्ट्री ऑपरेट करती है फर्म्स को, यूज डिफरेंट वे टू क्लासीफाई द मार्केट एंड ऑर्डर टू स्टडी, यानी कि हमारी जो मार्केट है, हम उसको जो स्टडी करते हैं, उसका जो नेचर होता है, वो अलग अलग मार्केट फॉर्म में अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करने के जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम फेस कर सकते हैं, क्या क्या मार्केट स्ट्रक्चर में आती हैं। फर्स्ट आता है इसमें नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कि हमारे पास
कितने नंबर हैं बायर एंड सेलर के, नेचर ऑफ दी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी की नेचर क्या है, वस्तु की प्रकृति कैसी है, वो किस तरह से हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, फर्म्स की जो मूवमेंट होती है वो फ्रीडम होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, हमें मार्केट नॉलेज की कितनी कंडीशन है, मतलब हमें मार्केट की नॉलेज की कितनी नॉलेज है, हमें मार्केट कंडीशन की, किस टाइम के मार्केट हमारी अप एंड डाउन हो सकती है, किस कॉमोडिटी का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, किस कॉमोडिटी के ज़्यादा बायर एंड सेलर हो सकते हैं, है ना। मोबाइलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जितना भी हमारा प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें किस तरह से करना चाहिए, किस गुड्स का करना चाहिए, है ना, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, ये सब हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर से पता चलता है। नेक्स्ट पर आते हैं फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ पर आ गया हमारा फॉर्म ऑफ, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर का एक डाटा, एक फॉर्म। ऑन द बेसिस ऑफ मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द मार्केट स्ट्रक्चर, हमने इस मार्केट स्ट्रक्चर को एक फॉर्म में डाटा को लिया है। फर्स्ट आता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड इसी में आता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट के जो हमारे इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उसके जो हमारे पार्ट है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हमारा जो आपका सिलेबस में है वो ओनली परफेक्ट कंपटीशन है, जिसको हम पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन, परफेक्ट कंपटीशन रेफर करता है एक ऐसी मार्केट सिचुएशन को वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर, जो ज़्यादा लार्ज नंबर में बायर एंड सेलर से क्या करती है, डील करती है, डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केटेड, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो फिक्स्ड प्राइस पर मार्केट में होते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ ए बायर एंड सेलर डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, द कूलेस्ट एग्जाम्पल वी मे हैव सच काइंड ऑफ मार्केट कैन बी मार्केट फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। परफेक्ट कंपटीशन के जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जो परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका, वो है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स में जैसे हमारा लाइक वीट, राइस, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। इन केस ऑफ वीट देयर आर न्यूमरस बायर एंड सेलर, भाई वीट के कभी भी जो हमारे फार्मर होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन के बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हमारे जो वीट होता है, वीट के बायर एंड सेलर हमेशा रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, भाई हम खाना नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके ये यहाँ पर एग्जांपल है। तो आपके क्या क्या टॉपिक है इसमें, इसमें हमारा आता है फर्स्ट मेन मार्केट फॉर्म में मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट का मीनिंग क्या है, भाई मार्केट में हम क्या करने के लिए जाते हैं, बायर एंड सेलर होते हैं, किसी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं, और जब हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं, परचेज एंड सेल कर रहे हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं आमने सामने, यानी कि ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमने अगर कोई प्रोडक्ट को परचेज करना है तो हम उसके प्राइस भी पूछेंगे, उसकी क्वांटिटी देख के उसके प्राइस भी देखेंगे, उसको सेलर भी देखेंगे, हम एक शॉप से दूसरी शॉप पर भी जाएंगे। तो ये हमारा मार्केट फॉर्म में आता है, ठीक है। फिर इसके हमारे जो हमने मार्केट को डिफाइन किया है वो फोर एसेंशियल पॉइंट है हमारे, एरिया, बायर एंड सेलर, कॉमोडिटी एंड कंपटीशन। मार्केट का एरिया पता होता है, बायर एंड सेलर के बिना हमारी मार्केट की कोई वैल्यू नहीं होती, विदाउट कॉमोडिटी हमारी कोई मार्केट नहीं होती, क्योंकि अगर मार्केट में कोई वस्तु नहीं होगी, कोई कॉमोडिटी नहीं होगी, तो हम उसको मार्केट नहीं कह सकते। कंपटीशन, जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर होंगे, सेलर होंगे, वहाँ पर कंपटीशन भी होगा, क्योंकि फिर वहाँ पर हमारा प्राइस में डिफरेंट आ जाएगी, अगर उस एक ने प्राइस को चेंज किया है तो दूसरा भी प्राइस को चेंज कर सकता है, तो वहाँ पर हमारा कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा आता है मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि एक मार्केट का ढांचा जो तैयार किया जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू नंबर एंड टाइप्स ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री, यानी कि हमारा जो मार्केट रेफर कर रहा है वो नंबर्स एंड टाइप ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्म्स के जितने टाइप हैं और इंडस्ट्री ने कितना ऑपरेट किया हुआ है।
है ना, तो यहाँ पर वो चीज़ आ गई हमारी। इकोनॉमिस्ट हैव यूज डिफरेंट वे टू क्लासीफाई द मार्केट इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाई ईच ऑफ दैम। यानी कि हमारी जो मार्केट है वो उसको एक स्टडी उसकी है कि नेचर ऑफ डिफरेंट। अब हमारी अलग अलग नेचर की कमोडिटी होती है, तो अलग अलग नेचर की हमारा मार्केट एरिया भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक ही मार्केट में आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, जो हमारे जो इंडस्ट्री होती है वो फेस कर चलती है, ठीक है। अब उसमें भी हमारे नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर, भाई अगर कमोडिटी का जितनी भी हमारी कमोडिटी होती है हर एक के चॉइस अलग होती है, हर एक के नंबर ऑफ़ बायर अलग होते हैं, नंबर ऑफ़ सेलर अलग होते हैं, क्योंकि हर एक कमोडिटी का नेक्स्ट स्टेज में नेचर ऑफ़ दी कमोडिटी, हर एक कमोडिटी की नेचर अलग होती है, हर एक का मूवमेंट फ्रीडम अलग होता है, मार्केट की नॉलेज अलग होती है, हर पर्सन को अलग अलग होती है। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हर एक फैक्टर का जो प्रोडक्शन होता है, गुड्स का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो भी अलग अलग फैक्टर्स में किया जाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ पेन बनाने का ही, तो पेन बनाने का रिफ़िल अलग उसमें बनता है, कैप अलग उसमें बनती है, ग्रिप अलग उसमें बनती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कितने फैक्टर्स में किया जा रहा है और किस गुड्स का वो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पर मैंने अभी आपको बताया मार्केट स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट आते हैं, जिसमें हमारा इम्परफेक्ट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली आता है, ठीक है जी। परफेक्ट कंपटीशन हमारा रेफर करता है एक ऐसी मार्केट सिचुएशन को जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बायर और सेलर के साथ में डील की जाती है एक होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए, और वो भी एक फिक्स्ड प्राइस पर, जिसका हमारा डायरेक्ट एग्जांपल जो होता है एग्रीकल्चर गुड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट कंपटीशन का जो हमारा एग्जांपल है वो क्या होगा, तो वो हमारा एग्रीकल्चर गुड्स होगा, क्योंकि जहाँ पर हमारे लाइक वीट, राइस, ये सब चीज़ें हमारी, क्योंकि यहाँ पर हमारे न्यूमरस बायर एंड सेलर होते हैं, और वो किस श्रेणी में आते हैं, हमारे फार्मर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ज़्यादा संख्या में हमारे बायर एंड सेलर होने चाहिए। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होनी चाहिए। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, नॉलेज होनी चाहिए बायर को और सेलर को। मोबाइलिटी होनी चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होनी चाहिए और सेलिंग कॉस्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स में। तो आपका जो चैप्टर 10 है इसमें आपके इतने ही टॉपिक हैं मेन मार्केट फॉर्म में, ठीक है। तो आपको इन्हीं टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, चैप्टर को लर्न करना है। जितनी ज़्यादा कोशिश हो पाएगी उतनी ज़्यादा एमसीक्यू मैं भी आपको दे पाऊँगी, ठीक है। तो आपके पास चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो भी आ सकती है। आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करें, वीडियो को ध्यान से सुने और चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उनको लर्न करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।